और इस क्यूट से ओए अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद बरोई और असद बरोई व्लॉग्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स मेरे साथ है हीरो, हीरो को मैंने लिया है साथ और हम जा रहे हैं हस्की की फीमेल लेकर उसके नए घर ड्रॉप करने। आए मैं आपको डॉग्स भी दिखाता हूं। हाँ ये देखें, ये जर्मन शेपर्ड की फीमेल है और ये मेल है, ये जर्मन शेपर्ड है, बाकी मजीद डॉग्स हैं। हम इन डॉग्स के पास में जाएंगे और हम लेके जाएंगे ये वाली फीमेल लेके जाएंगे जो कि हमसे मुहिब भाई ने ली है। तो इस फीमेल को निकालेंगे और चलेंगे, रखेंगे सफर को अपने रवा दवा। ये बाकी ये हैं, ये देखें, ये वाइट कलर में फीमेल है, ये मेल है। अच्छा उसके बाद ये बच्चा इधर बैठा हुआ है तो इसको निकालेंगे। ये फीमेल यहाँ बांधी हुई है, इसको बांध। अच्छा इसको निकाल। अच्छा ये अपना इसको निकाल, फीमेल को इसमें रस्सी डाल, बाहर निकाल, लेके जाएंगे इसको। अच्छा तो फ्रेंड्स ये सारे डॉग्स हैं, ये शिटज़ू हैं और शिटज़ू, उसके बाद ये चुवावा हैं, ये हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वो लेकर जा रहा था, ये बड़ा जज्बाती हुआ हुआ है यार। एक काम करना, ये जाएंगे लाहौर, ये फीमेल लाहौर जाएगी, ये मेल भी जाएगा साथ में और ये यहीं कराची में जा रही है। कुत्तों ने काफ़ी उधम मचाया हुआ है, दरवाज़ा बंद करो तो कुत्ते शोर कम करें। दरवाज़ा खुला होने के साथ कुत्ते शोर बहुत कर रहे थे। नहीं पंगा नहीं, ये पंगा करेगा, इसको खुल नहीं जाए। लेके चल बाहर, चल बाहर लेके चल, बाहर 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 लेके चल। अच्छा मोहित भाई आपकी फीमेल है, बाहर लेके चलो। अच्छा तो फीमेल हमने निकाल ली है, फीमेल निकाल ली है, फीमेल निकाल के अब ये इतनी बड़ी फीमेल हम लेकर कैसे जाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो जी ये लाइट है, रात हो गई तो उससे वीडियो बनाएंगे। और इस फीमेल को हमने लेके जाना है इस फरारी पे, ये फरारी है, ये मेरी फरारी है, इस पे हम लेकर जाएंगे। हीरो इस फरारी पे लेकर जाएंगे इसको, लेकर बैठ जाओगे? हाँ चलो भाई ये, हाँ हाँ फ्रेंडली है, ये फीमेल है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स हीरो ये पकड़, चाबी देना यार मुझे इसकी। भाई अली खाना पका लियो कुत्तों का। क्यों नहीं दिया? बोला यार लाइट चली गई। तो फिर मैं तो जा रहा हूँ अभी लंबा, तो फिर कैसे लेके आएगा? चलो अगर मैं आया तो ठीक है, वरना बाइक कहीं से अरेंज कर लेना। तो हम हाँ भले घुमाने ले जा, मसला नहीं है, हम भी ये जा रहे हैं लेकर आते हैं। हाँ इसको उठा, रस्सी जो है ना व्हील में नहीं आ रस्सी। हाँ चलो भाई उठाओ 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 उठाओ, गोद में उठा ले। हाँ जैसे बकरी उठाते, जैसे नहीं 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 करेंगे, डर नहीं, अभी से डर रहा है तो लेके कैसे जाएंगे, लंबा सफर है, डर रहा नहीं है। हाँ ये वेट 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 फ्रेंड्स देखें, हम ऐसे भी डिलीवरी देते हैं, ऐसे भी डॉग्स लेकर जाते हैं, देखें ज़रा। चलो जी ये लाइट है जी, ये लाइट पड़ी हुई है, रात को लेट हो गए तो, और चलो किक मारते। चलो जी जी, तो ये फीमेल लेकर हम पहुंच गए और ये रही, और ये है मोहित भाई। मोहित भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चले जी लेकर उसको, ठीक है चलो चलो जी चले जी।
मोहित भाई, फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मोहित भाई के पास आए और यहाँ रेप्टाइल ना देखें ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये हस्की की फीमेल आपको कैसी लगी? फ्रेंड्स बहुत प्यारी फीमेल है और इनको दिए आगे इन्हीं के पास रहेगी, मजीद ब्रीड होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, ब्रीड होगी तो दिखाएंगे व्यूअर्स को। अच्छा अब आप क्या दिखा रहे हैं हमें यहाँ पर? अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने रेस्क्यू करे हैं डिफरेंट एरिया से स्नेक्स, सही जिनको अभी हमें रिलीज करना है, अभी हाइबरनेशन पीरियड चल रहा है, तो वो मैं स्नेक्स आपको दिखाता हूँ और आप लोग की नॉलेज के अंदर इजाफा भी करवाता हूँ। कल को आपको दिखे तो आप इनको बेचारों को मारा नहीं करें, सही है, लोग मार देते हैं, सही है, ठीक। तो लोगों की नॉलेज भी हो जाएगी और हम लोगों को दिखा भी देते हैं। वैसे एक बात तो ये है कि देखें आपको एक्सपीरियंस है, आपको उनकी ब्रीड्स का पता है, अब जो अननोन पर्सन है अगर आप उनको बताते भी, इनसे मिलते जुलते अगर जहरीले सांप हुए फिर वो समझेंगे कि ये तो नहीं काटते। बेसिकली टोटली हर स्नेक को लेके ना उसकी प्रॉपर नॉलेज, उसके प्रॉपर स्केल्स, उसका प्रॉपर पैटर्न की नॉलेज देता है, अवेयरनेस देता है लोगों को ना, ताकि कल उनको दिखे ना तो वो मारे नहीं, हमें बुला ले। हर जब बेजुबान जानवर है आप बेफूल में निकल आते हैं, इसलिए हम लोग जाति कर रहे हैं ना, हम जंगल खत्म कर रहे हैं, अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, हम इनका घर ना छीन रहे हैं इनसे ना, तो ये बेचारा हमारे घरों में निकल आते हैं तो हम डर के मारे मार देते हैं। तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आके रेस्क्यू करेंगे और आप भी, आपको कुछ नॉन वेनमस स्पीसीज दिखाते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरत स्पीसीज दिखाते हैं हमारा साथ साथ, तो इन्जॉय करते हैं आप लोग। ठीक है जी, आए ये कौन सा है? दो एक साथ ये लड़ते नहीं है? नहीं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये वो फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्मूथ स्किल सैंड को है ना, इसको उर्दू में दो सांप भी कहते हैं, सही है, ये आप देख सकते हैं। सपेरे बड़ा अच्छा गेम करते हैं, इसके ऊपर 2-3 करोड़ रुपए का है, सही है, आप रखेंगे तो आपके घर में माल डॉलर वगैरह आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और इसको 2 सांप भी कहते हैं और ये भी कहते हैं 6 महीने ऐसा नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसकी टेल, इसके मुंह की तरह होती है, नहीं तो अच्छा ये टेल है, टेल इसकी मुंह की तरह है, जी जी, अच्छा अच्छा। सपेरे अब लोग देखते हैं ना दूर से तो बोलते हैं हाँ यार सही कह रहा सपेरा, तो सपेरे कहते हैं 6 महीने इस मुंह से खाता है, 6 महीने इस मुंह से अच्छा अच्छा, नॉनसेंस बातें सेंस बनती है, नहीं बनता ना, नहीं बनता। तो लोग सपेरे इसको पकड़ते हैं, इसकी कोचिंग करते हैं, ये हमारे वाइल्ड में इनकी तादाद बहुत कम हो गई है, ये एक रेस्क्यू की सहायता और ये रेस्क्यू केस मुझे आसद भाई ने दिया था, सही है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी है फीमेल, ये भी हाइबरनेशन में और इनका हाइबरनेशन पीरियड इसके कम होगा तो इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा। नहीं तो ये क्या हाइबरनेशन, क्या हाइबरनेशन में ये सो जाते हैं? अच्छा हाँ, ये सर्दियों में ना सो जाते हैं, ये सो के गुजारते हैं और ये खाते पीते कुछ भी नहीं है, अच्छा डीप स्लीप में चले आते हैं, सही है, इसको कहते हैं हम हाइबरनेशन पीरियड, ये हर रिप्टाइल करता है, सही है। तो कितने अर्से तक? ये 2 महीने तक, जब तक ये गर्मियां नहीं स्टार्ट हो जाती, तो ये गर्मियों में ही मतलब इनको ये इनका ब्रीडिंग सीजन भी होता है, खाते पीते भी हैं, घूमते फिरते भी है, तभी हमें गर्मियों में ज्यादा नजर आते हैं, ऐसा ही है, गर्मियों में निकलते भी हैं और फिर लोगों के हाथों मरते भी। ये दूसरा कौन सा है? ये दूसरा दिखाइएगा, इसको कहते हैं जो लोग पालना चाहते है ना तो उनको मिस गाइड करते हैं कि यार हमारे पास अजदे का बच्चा है ये आप ले लें और ये 7 फिट का हो जाएगा, 8 फिट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसकी मैक्सिमम साइज है और ये मेल है, मेल रिप्टाइल के अंदर स्नेक्स के अंदर छोटे होते हैं और फीमेल जो होती है बड़ी होती है, इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो फीमेल थी वो बड़ी। अच्छा और क्या है, और कौन से? मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान का सेकेंड सबसे खूबसूरत सांप दिखाता हूँ, पहला नंबर वाला भी आपको दिखाता हूँ, सबसे खूबसूरत सांप, फ्रेंड्स सबसे खूबसूरत सांप आए देखते हैं, सेकेंड नंबर का पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सांप है, ओहो बहुत क्यूट सांप है। अच्छा ये काटता नहीं है, ये मुझे दे, आप पकड़, ओए होए 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 कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स, वाओ बहुत प्यारा लग रहा है यार, बिल्कुल। अच्छा ये खाता क्या है? ये पिंकीज खाता है, पिंकीज बेसिकली उसको कहते हैं चू होते हैं, उनके बच्चे ही होते हैं एक दिन के, ये हाँ, हाँ, अच्छा तो फिर ये यहाँ पर क्या देते हैं आप इसको? मैं यहाँ पे हम लोग इनकी ब्रीड करवाते हैं चूहों की, अच्छा। अल्बिनोमाइस कहते हैं उनकी ब्रीड करवाते हैं, उनके जो बेबीज होते हैं वो इनको फीड करवाते हैं। अच्छा बिल्कुल, चलो ठीक है, हर जानवर का ख्याल रखे जाते हैं यहाँ पे, जब तक वो हमारे पास है उसकी सारे प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं, सारी डाइट प्लान। अच्छा ये इसका फुल साइज है? नहीं नहीं नहीं, ये भी बच्चा है, ये भी और बड़ा होगा। अच्छा तो ये मोटा भी होगा? और बिल्कुल थोड़ा सा मोटा होगा। लंबा कितना होता है ये? ये लंबा कम से कम 3 फिट तक होता है। अच्छा तो ये गिर ना जाए इसको, ये देखना है। और ये बहुत ये देख रहे हैं पैटर्न चेक कर रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है यार, सही। अच्छा और दिखाएं, और कौन से आप कुछ कह रहे हैं? पाकिस्तान का
तभी कहते हैं फ्रेंड्स के मोहित भाई के पास आए और रेप्टाइल ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। मोहित भाई के पास मैं फीमेल हस्की की यहाँ पर ड्रॉप करने आया था और सोचा जब मोहित भाई के पास आया तो रेप्टाइल तो होंगे, और उन्होंने बोला कि रेप्टाइल आज मेरे पास भरे हुए हैं। ये ओहो, ये इनकी आवाज़ें तो सुने। ओ ओ, अच्छा ये भी काटते हैं? ये तो काटते नहीं, काटता काटता ही काटता, काटता ही काटता है। इसको दूर रखो फिर। ये कौन सा है? अच्छा ये इतने सारे जो है, ये देखो जो गुर्रा रहा है देखो। अच्छा अच्छा होगी वैसे, ये जितनी अच्छी हैंडलिंग आप करेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा स्नेक का। वो ये भी, ये क्या है इसके, ये दुम में क्या है, दुम पे क्या है? ये जहाँ से मैंने रेस्क्यू किया था ना, हाँ? आपका आपको पढ़ने से क्या लग रहा है, जहरीला लग रहा है? मुझे तो पता नहीं इनके बारे में। नहीं, लोग देख के बताऊंगा क्या समझते हैं। जिनके ब्राइट कलर होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ब्राइट कलर, लोग समझते हैं बहुत ज्यादा जहरीला है। हां बिल्कुल सही। एक घर में निकल आया था और उन्होंने इसकी दुम पे मारा, उसकी दुम टूट गई, सही है। उसके बाद वो एक बंदा था उनके जानने वाले, उन्होंने उसको रुकवाया, मुझे कॉल करी। हम वहाँ टाइम, ये ऊपर इसके स्किन पे ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से हमने ये रश किया। अच्छा ये उस टाइम था स्किन शेडिंग के ऊपर, सही है। अच्छा। जब ये हेल्दी होते हैं ना, सही, जब इनको खाना पीना सही तादाद में वहाँ पे मिल रहा होता है, तो ये अपनी स्किन शेड करके अपना साइज बढ़ाते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, अभी मैंने इसको फीड करवाई है, तो मतलब ये मेरे पास ये हेल्दी है। इसका हेल्दी साइन है कि ये स्किन शेड कर रहा है ना। ये इतना घुर्रा क्यों रहा है, इतने? अच्छा ये बेसिकली मैं आपको एक जबान में बोलूं तो ये मुंह का फायर कर रहा था ये। अच्छा मुंह का फायर। अच्छा ये सिर्फ डराता है, स्नेक्स भी मुंह का फायर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये डराता है, ये और कुछ नहीं कर सकता। ये अपने दुश्मन को डराता है कि मेरे करीब मत आना, मैं काट लूंगा जो इसको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा अच्छा, ये कहीं पे भी पड़ा होगा आप गुजर जाएंगे, या आप करीब से बहुत ज्यादा इसके इंटरेक्ट हो जाएंगे करीब, तो ये इस तरीके से घुराएगा, इसमें कहते हैं आवाज निकालेगा और आपको अवेयर करेगा मैं इधर हूँ। और फिर भी अगर आप अवेयर नहीं होते तो फिर बेचारे को मजबूरन आपको अटैक करना पड़ेगा। बट इसको, अच्छा इसमें जहर बिल्कुल नहीं होता? नहीं होता, ये नॉन वेनमस, इसके काटने से कुछ भी नहीं होगा। आप गए, आप जाएं सिंपली नॉर्मल पानी से हाथ धोएं, इट भी ना हो। अच्छा ये बताएं मुझे, आप मुझे बता रहे थे कि मैं व्यूअर्स को गाइड करूंगा कि ये सांप जो है नॉन वेनम होते हैं, ठीक है? इसमें ये होता है कि आप जैसे कि इनके वो देख रहे हैं, इसका फेस देख रहे हैं, चकोर है, सही है। तो जितने भी चकोर वाले होते हैं ना, आगे से पॉइंटेड होता है, वो नॉन वेनमस होते हैं। और जिनका मुंह थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, मेरे पास तस्वीर नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है ना, वो वेनमस, ठीक है। वो कैसे, मतलब कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, कुछ तो होते हैं, मैं आपको सिखा दूं। मैं पे एक स्नेक, देखिए मैं पेस्ट में रहता हूँ, मैं भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा, तो आम इंसान कैसे अंदाजा लगाएगा? ठीक है, ये देखें सबसे पहली बात होती है, जो भी बंदा स्नेक देखता है ना, मैं तो सबसे पहले बात करता हूँ, कोई भी सांप नॉन वेनमस हो नॉन वेनमस हो, आपने दूर ही जाना, आपने हीरो नहीं बनना, आपने स्नेक के पास नहीं जाना, इसलिए आपको नॉलेज नहीं है, सही है। हम लोग बेसिकली इनके पैटर्न से, इनके फेस से हम पहचान लेते हैं कि कौन सी स्पीशी है, सही है, ये कौन सा सांप है। अब इसके अंदर हमें सालों का तजुर्बा है, सही है। अब ऐसे मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। समझ पाएंगे, ये भी मैं भी कह रहा था। अच्छा बेसिकली सीन ये है कि कोई भी सांप देखे ना, उससे दूरी में रहे, और आपके कोई भी रेस्क्यूअर का नंबर है आप उससे कॉन्टेक्ट करें, वो आके आएगा, वो स्पीशी आपके सामने आइडेंटिफाई करेगा, उसको रेस्क्यू करेगा, ले जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद से आप हीरो बनेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स स्नेक्स के बाद अब बारी है क्रोकोडाइल की, इसके बारे में बताएं। ये मार्श क्रोकोडाइल है, उर्दू में इसको मगर क्रोकोडाइल कहते हैं, सही है। और ये भी हमारे पास रेस्क्यू केस है, एक बंदे ने खरीदा था एक होटल से, और उसको पता नहीं था कि इसको रखना कैसे है ना। ये हाफ पानी में रहते हैं और हाफ लैंड में रहते हैं, सही है। और ये मीठे पानी का मगरमच्छ है ना, ठीक है। उस बंदे ने एक तो इसको खारे पानी में रखा था, ठीक है, और दूसरा इसको सही से इंक्लोजर दिया नहीं था, जिसकी वजह से इसको स्किन एलर्जिक हो गई थी। इसकी पूरी स्किन जो है ना, वैसे हाथ लगाने पे ना निकल के बाहर आ गई। तो हमारे एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, उनके थ्रू केस मेरे पास ट्रांसफर हुआ था, तो फिर जाके मैंने ये वहाँ से रेस्क्यू किया था। अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी स्किन और इसकी हेल्थ। अच्छा हेल्थ है ना, वो उसके यहाँ से पता नहीं चलती, पेट से पेट से पता चल रही है। अच्छा उसकी टेल जितनी अब्रॉड होती है, जितनी मोटी होती है, उतना क्रोकोडाइल हेल्दी होता है। और ये अभी 2.5 साल का है, सही है, और इंशाल्लाह ये 3 साल का ऐसे होता है। छोटा 2.5 साल का जी, ये 7 साल में अपना मैक्सिमम लेंथ करते हैं, फिर 7 साल में आप 7 साल का मगरमच्छ और 70 साल के मगरमच्छ के अंदर आप डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा ये मैक्सिमम, ये हम अभी इंशाल्लाह ये 3 साल का हो जाएगा, तो ये हार्डलेस की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी वाइल्ड लाइफ की,
वहाँ जाती है। रिलीज हुए से पहले हमने एक मगरमच्छ और पहले भी वहाँ रिलीज किया हुआ है, ये भी बन जाते रिलीज हुआ। अच्छा असद भाई, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो हमें देखते हैं, सही है, हमारे इंटरव्यू देखते हैं, हमसे इंस्पायर होते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू ना ये एनिमल परचेज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बताऊँ क्या होता है, लोग हमारी वाइल्ड लाइफ को ना खराब करते हैं। मतलब अगर वो लोग परचेस करेंगे तो लोग इनका शिकार करेंगे, शिकार करेंगे और ये नॉर्मल घरों में उनकी इनको वो केयर नहीं दे पाएंगे और ये मर जाएंगे, इनकी ब्रीड खराब। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप लोगों से खरीदेंगे तो इसका शिकार बढ़ेगा, सही है, और जब शिकार बढ़ेगा तो हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक डैमेज पड़ेगा ना। तो आपने ये करना है कि आपने वीडियो देखनी है, इंजॉय करना है, आपने इसका शॉट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आप रेप्टाइल जितने भी होते हैं ना, ये ऑनर्स का इनका पता नहीं होता, जैसे हमारे पास डॉग्स होते हैं ना असद भाई, तो डॉग्स को ना ऑनर का पता होता है, उनको नहीं पता होता, ऑनर्स का पता नहीं होता है, ये हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखें कितना कंफर्टेबल है मेरे हाथ में, इसका मुंह भी खुला हुआ है, बहुत इजीली मेरे हाथ में बैठा है, क्योंकि मैं इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। अगर मैं ये असद भाई को देता हूँ तो ये अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, सही है, तो ये काट भी सकता है, आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है, और इनको फीडिंग करवाना भी आसान नहीं होती है। इसकी फीडिंग के लिए भी आपको बहुत सारा तजुर्बा चाहिए होता है, डिफरेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपने गर्मी में क्या डाइट देनी है, सर्दी में क्या डाइट देनी है, और हाइब्रिडेशन में इसको डाइट देनी इसको कौन सा बल्ब आपने देना है, अगर आप कैप्टिविटी में रखते हैं, इनके लिए बल्ब बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो यूवी भी बहुत चाहिए होती है। अच्छा, नेशनली तौर पर ये ना, तो जहाँ नेशनल में होता है ना ये, तो वहाँ अपने नेशनल हैबिटेट में ये बास्किंग ले लेते हैं बाय सन। अब हमारे पास जब ये कैप्टिविटी में होता है ना, तो इनको तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे होता है ना, तो इनको यूवी प्रोवाइड करना, इनका एलर्जन बल्ब प्रोवाइड करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। फिर कितना टेम्परेचर पर रखना है, ये एक बड़ी रिसर्च है। मतलब रेप्टाइल इंसान एज अ पेट नहीं रख सकता, ये एज अ पेट होते ही नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आप एज अ पेट रखते हैं तो वाइल्ड लाइफ वाले बहुत बड़ा आपके ऊपर आप क्या कहते हैं बहुत बड़ा आप पे स्टैप ले सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, दूसरा आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। मैं आपको बोलूँगा एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पर ही रहने दें, सही है, आप वीडियो इंजॉय करें। फ्रेंड्स, तो मोहित भाई के पास हम हस्की फीमेल ड्रॉप करने आए और मोहित भाई के पास आएँ और रेप्टाइल ना देखें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ मुझे, मोहित भाई को और हीरो को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।